Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. आज हम बात करेंगे भारत और उसके विश्वविद्यालयों की, जिनके वजूद में आने के बाद भारत विश्व गुरु बना और पूरी दुनिया में शिक्षा का प्रसार किया। आज हम बात करेंगे भारत के उन दो महाविश्वविद्यालयों की, जिनकी बदौलत भारत विश्व पर राज करता था। क्या आप जानते हैं विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय भारत में ही था? वैदिक काल से ही भारत में गुरुकुल और आश्रम की परंपरा थी। इसके तहत इन केंद्रों में शिक्षा दी जाती थी। यहाँ तक कि भारत 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक विश्व में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। आज हम ऐसे ही प्राचीन विश्वविद्यालयों की बात करेंगे जो कि उस समय शिक्षा के मंदिर थे। अफसोस कि यह अब सिर्फ इतिहास की ही बातें बनकर रह गई है। नंबर 1, नालंदा। प्राचीन में नालंदा विश्वविद्यालय भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उच्च शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यह वर्तमान राज्य बिहार के शहर पटना से 5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस विश्वविद्यालय में एक ही साथ लगभग 10,000 छात्रों को पढ़ाया जाता था और इसमें कम से कम 2,000 शिक्षक थे। नालंदा विश्वविद्यालय में न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया से, जैसे इंडोनेशिया, फ्रांस, कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत आदि देशों से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में कम से कम 300 कमरे और विद्यार्थियों और शिक्षकों के अध्ययन के लिए 9 मंजिला विशाल गाय पुस्तकालय भी था, जिसमें लाखों पुस्तकें थी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 से 470 ईस्वी के दौरान की थी। नंबर 2, तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 2700 वर्ष पहले हुई थी। यहाँ भी दुनिया के विभिन्न देशों से करीब 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ का अनुशासन बहुत ही सख्त था और सभी को एक ही नजरिए से देखा जाता था, फिर चाहे विद्यार्थी राजा के संतान हो या अन्य नागरिकों की। तक्षशिला में मुख्य राजनीति और शस्त्र विद्या की शिक्षा दी जाती थी। तक्षशिला के एक ही शास्त्र में विभिन्न राज्यों से 103 राजकुमार पढ़ते थे। नीति शास्त्र के महान विद्वान चाणक्य भी यहीं पढ़े थे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार तक्षशिला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की तरह भव्य नहीं था। इसमें अलग अलग छोटे छोटे गुरुकुल होते थे। इन गुरुकुलों में व्यक्तिगत रूप से अलग अलग विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आप ऐसे ही और यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं जो कि आज भी चल रही है, तो आई बटन पर क्लिक करें। अगर आप और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।